भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि किसान आंदोलन में कई वामपंथी और देश विरोधी लोग शामिल हैं। ऐसी विकृत मानसिकता के लोग देश को हानि पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने भोपाल के इस्लाम नगर, लाल घाटी, हलाली डैम, हलालपुरा बस स्टैंड का नाम बदलने की बात कही। इस दौरान प्रज्ञा ने सोनिया और राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि भोपाल के इस्लाम नगर, लालघाटी, हलाली डैम, हलालपुरा बस स्टैंड का नाम बदलने की जरूरत है। ये नाम इस्लामी शासकों के आतंक के पर्याय के तौर पर रखे गए थे। इन जगहों का नाम बदलकर क्रांति वीरों के नाम पर रखा जाए। उन्होंने कहा, हलाली डैम हिंदुओं के हलाल होने की याद दिलाता है। लालघाटी को हिंदुओं के रक्त से लाल किया गया था। इसी तरह इस्लाम कोई नगर नहीं है। इन सभी जगह के नाम जल्द ही बदले जाने चाहिए। भोपाल अपने प्राचीन और ऐतिहासिक स्वरूप में जल्द ही दिखाई देगा। चुनाव की लोकसभा चुनाव की सभा करने के लिए जब मैं जगदीशपुर गई तो वहाँ भरपूर डिमांड थी लोगों की, और मैं पहली बार गई थी, लेकिन उसी समय उन्होंने ज्ञापन दिया। मैं उसके लिए प्रयासरत हूँ और अतिशीघ्र ये कार्य भी पूर्ण होगा, क्योंकि इस्लाम कोई नगर था ही नहीं पहले। और जिस प्रकार से मध्यकाल में मुगल शासकों ने और यहाँ भोपाल में विशेष तौर पर दोस्त मोहम्मद खान ने जिस प्रकार से उत्पात मचा करके खून की नदियाँ बहाईं, जिसका लाल घाटी नाम उनके पुत्र के खून के रक्त के कारण पड़ा है, हलाली डैम, हलाल हिंदू राजाओं को हलाल किया गया वहाँ और इसलिए उसका नाम हलाली डैम और ये सब रखा गया है। मुझे लगता है कि कल उमा दीदी ने भी मुझे बात की है इस विषय पर, और वो भी इसके लिए प्रयासरत है। उन्होंने जब वो सांसद थी तब भी उन्होंने इसका नाम बदलने का पूरा प्रयास किया था और किया भी है। उसकी आगे प्रक्रिया बढ़ी है, इसके आगे मैं प्रक्रिया बढ़ाती हूँ। लाल घाटी, हलाली बस स्टैंड और हलाली डैम, ये सब नाम बदल करके जो वास्तव में इतिहास है भारत का, वो इतिहास पुनर्स्थापित होगा और बहुत अच्छे नामों के साथ, ऐतिहासिक क्रांतिवीरों के नामों के साथ ये भोपाल फिर से स्थापित हो रहा है और नव भोपाल का स्वरूप बड़ा ही सुंदर होगा। साध्वी प्रज्ञा ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम बगैर लिए उन पर जमकर निशाना साधा और कहा कि यह विधर्मी लोग हैं जिनकी कोई संस्कृति नहीं, कोई इतिहास नहीं, जिससे कोई लड़की शादी नहीं करना चाहती, जिसकी माँ इटली में बैठकर अपनी औलादों को पीएम बनाने के सपने देखती है। उन्होंने कहा, मोदी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, देशभक्तों के बीच में देशद्रोही बिलबिला रहे हैं। इस दौरान उन्होंने राम रहीम मार्केट का नाम बदलने और देशभक्ति की समझाइश दी। अभिवेकी व्यक्ति जिसके पास कोई विवेक नहीं, जिसके पास कोई बुद्धि नहीं, जिसके पास कोई विवेक ज्ञान नहीं, जिसके पास कोई गणित नहीं, जिसके पास कोई इतिहास नहीं, जिसकी कोई संस्कृति नहीं, जिसका कोई धर्म नहीं, ऐसा व्यक्ति विधर्मी व्यक्ति कुछ भी बोल लेगा। हमारे देश के बच्चा बच्चा हंसता है। एक टीवी किसी चैनल ने दिखाया कि लड़कियों के पास, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों के पास गए, क्यों ऐसे व्यक्ति से शादी करोगे क्या? इतना मजाक बनाया उन लड़कियों ने उस व्यक्ति का, इतना मजाक बनाया। ऐसा व्यक्ति सपने देखता, उसकी अम्मा भी सपने देखती है, वहां से दूर देश से इटली से बैठ करके भारत में अपनी औलादों को प्रधानमंत्री बनाने का स्वप्न देख रही है। क्यों भैया? ये सनातनी राष्ट्र है, यहाँ राष्ट्रभक्ति पैदा नहीं की जाती है, प्रारब्ध से आती है। माता की संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।